सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और बाहर आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है, अच्छी सी धूप लगी हुई है, अच्छा सा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों माँ तो गई हुई है आज चक्की पर कंडारा, और काना स्कूल गई हुई है, और मैंने घर के सभी काम काज निपटा दिए हैं और गौशाला से भी मैं आ गई हूँ भैंस को अंदर बांध के। बाकी अब थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। बाकी अभी तक मैंने अपने आंगन की गोबर मिट्टी से लिपाई की, जो कि अब तक आंगन सूख भी गया है। और आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, और इन खूबसूरत पहाड़ों में लगा धुआं ना पता नहीं कब साफ होगा कब हटेगा। बाकी दोस्तों मैं अभी कंडारा से चक्की से घर आ गई है और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं और मौसम बिल्कुल ख़राब सा हो गया है, और आजकल ना हमेशा शाम के टाइम मौसम ख़राब हो रहा है लेकिन बारिश कभी भी नहीं आ रही है। बाकी ना माँ ने यहाँ पर सगोड़े में थोड़ा साफ़ सफाई कर रखी थी और जो खरपतवार घास वगैरह थी उसको एक जगह पर इकट्ठा कर रखा है, और वो अच्छे से सूख भी गया है तो मैं उसको जला लेती हूँ। इस सूखी खरपतवार पर मैंने आग लगा दी है, और यहाँ पर हमने ना लहसुन उगा रखी थी। दिखाती हूँ यहाँ पर हमारी कितनी लहसुन हुई, थोड़ी सी लहसुन हुई हमारे यहाँ पे, बस इतनी सी, पता नहीं क्यों। इस बर्तन में हमने ना नारंगी और टमाटर के पौधे उगा रखे हैं। ये सब नारंगी के पौधे हैं और छोटे छोटे भी हैं, और ये टमाटर के पौधे हैं। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद नैना हमारे घर पर आ रखी है, और आप लोग नैना से मिलिए, बट बाय, स्कूल जाइए, अब जाओ ना यार, घूम यार, घूम यार, यार यार घूम, फिर तो पिकनिक की काम ना। काना ने बना रखी है गुड़ वाली चाय, और मैं तो नहीं पी रही हूँ अभी चाय, लेकिन नैना पी रही है, ठंडी हो गई है चाय। तो काना रो रही है क्योंकि आज का नेट खत्म हो गया है, और काना को लग रहा है कि अब काना माँ की मार खाएगी कि पूरा नेट काना ने खत्म किया। ना इस वाले माल्टे पेड़ पर ना एक दूसरा घोंसला देखा अभी, और उस पर ना पक्षी बैठी भी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा घना है जिसके कारण इस पर घोंसले अक्सर पक्षियाँ बनाती रहती हैं। बाकी मैं आपको भी दिखाती हूँ, वैसे मैं उस पक्षी को भगाऊंगी नहीं, आराम से दिखाऊंगी आपको। अंधेरा होने वाला है और काना ने भात खाया था और बर्तन नहीं धोए थे, तो काना अब धो रही है बर्तन। माँ भी गौशाला से घर आ गई है लकड़ियों की गडोई लेके, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ियाँ भी नहीं थी खाना बनाने के लिए। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव भूमि उत्तराखंड।